हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में और जानेंगे इसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कैसे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, और साथ ही डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इकोस्प्रिन टैबलेट के अंदर एस्प्रिन एज अ कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम एपीआई कहते हैं। ये जो एस्प्रिन है, ये एनएसएआईडी कैटेगरी में आता है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें बिल्कुल भी स्टेरॉयड्स नहीं पाया जाता, और साथ ही ये इन्फ्लामेशन जैसे सूजन हो गया इनको ये ठीक करता है। और ये जो एस्प्रिन है, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, मतलब ये क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है, जिससे बहुत सारे डिजीजेस होने का जो चांस रहता है उससे ये प्रिवेंट करता है, वो हम यूजेस में देख लेंगे। जो इकोस्प्रिन टैबलेट है, ये मार्केट में आपको 75 mg, 150 mg, 325 mg में देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके यूजेस का। तो इसका यूज़ हम हार्ट अटैक पेशेंट्स में करते हैं, जिनको हार्ट अटैक आने का चांस रहता है, तो ये उनसे बचाता है हार्ट अटैक से। और ये इसका टैबलेट का यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर को। जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उसको ये कम करता है, और साथ ही ये स्ट्रोक से बचाता है। और ये टैबलेट का यूज़ वो पेशेंट करते हैं जिनके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। तो इसका काम रहता है कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर उसको ये कम करें, और साथ ही इसका काम है पेन रिलीफर जैसा, यानी दर्द से राहत दिलाने का काम करता है, कम करता है। और साथ ही इसका एक मेन काम है, वो है स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में। इस दौरान चेस्ट के अंदर पेन होता है तो ये ठीक करने का काम करता है। तो बात कर लेते हैं मैकेनिज्म, यानी ये कैसे काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो गाइस, आपको भी मालूम है जो हमारा ब्लड है ये ऑक्सीजन कैरी करता है, और साथ ही न्यूट्रिशन कैरी करता है, जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है, और ये सप्लाई करता है हमारे वेंस के अंदर, यानी वेंस के अंदर फ्लो कर रहा होता है, यानी नसों के अंदर। तो क्या होता है कि नसों के अंदर जब किसी रीजन की वजह से इंजरी हो जाती है ना, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आपस में इकट्ठा हो करके और एक गुच्छा फॉर्म बना लेते हैं। जो ये गुच्छा फॉर्म बनाते हैं ना, यही होता है क्लॉट फॉर्मेशन। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, उन्हीं को इनहिबिट यानी हटाने का काम करता है ये एस्पिरिन, जिसकी वजह से ये क्लॉट ना बने। अगर क्लॉट बना तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी भाई, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा दूसरे ऑर्गन में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अनस्टेबल एंजाइना हो गया, फिर हार्ट अटैक, ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, इस टाइप से ये काम करता है हमारा इकोस्प्रिन। अब हम बात कर लेते हैं डोजेस के बारे में। तो आपको डॉक्टर से बिना पूछे बिल्कुल भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। ये जो टैबलेट है ये आपको खाने के बाद ही लेना है, खाने से पहले नहीं लेना, नहीं तो अपसेट स्टमक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और इस टैबलेट को आपको बिल्कुल भी चबाना नहीं है, या फिर दांत से क्रश नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, इसको जनरली आपको स्वेलो कर लेना है, जैसे नॉर्मली आप निकल लेते हो टैबलेट्स को। ये जो टैबलेट है ये ज़्यादा इफेक्टिव अपना काम करता है रात के टाइम पे, यानी नाइट टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो ये इकोस्प्रिन टैबलेट है इसको कौन कौन नहीं ले सकता है। तो जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देना है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करना हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब ले, और डॉक्टर अगर एडवाइस देता है कि आपको यूज़ करना है तभी आप यूज़ करिए। अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट्स उनको भी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, साथ ही जो लिवर हो गया, किडनी हो गया, गाउट डिजीजेस जो होते हैं जिन पेशेंट्स को, तो उनको भी इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ब्लीडिंग, यानी एक्सेसिव ब्लड का बहना, खून लॉस होना, और साथ ही नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, और सांस लेने में दिक्कत यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और इंडाइजेशन भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।